आज हम शुरू करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सर, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? बच्चों, आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेटेड कंपाउंड्स का एग्जांपल होता है एल्केन्स, सबको पता है। और एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आपको क्लियर है? एल्केन्स आर द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन एटम्स का नंबर CnH2n+2 से वेरी करता है, इससे कम आता है, तो समझ जाइए कंपाउंड कैसा होगा, अनसैचुरेट। और यही हमको पता करना होता है कि कंपाउंड के अंदर कितना अनसैचुरेशन है। अगर कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन होगा तो बच्चों आप जानते हैं अनसैचुरेट कंपाउंड में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां पर भी हमको दिखाना है कि डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा या फिर रिंग आएगा। आइए तो हम लोग शुरू कर रहे हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को, शॉर्ट में DU बोलते हैं, या अनसैचुरेशन नंबर भी कहलाता है। इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी नाम है, और इसका शॉर्ट में बोलते हैं IHD, यही हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पे पहली बात है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है। इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड नंबर ऑफ रिंग्स इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, उस फॉर्मूले में आप पता कर सकते हैं कितने मल्टीपल बॉन्ड होंगे या फिर कितने नंबर ऑफ रिंग होंगे। दूसरा, इट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ आइसोमर्स। ये सर बहुत जरूरी है। सर, हमको पढ़ना क्यों है IHD, हमको DU क्यों पढ़ना है? तो बच्चों, आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, उस फॉर्मूले से आपको बताना होता है पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो वहां पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब आपको नंबर निकालने होते हैं पॉसिबल आइसोमर्स के। तो आइए जानते हैं IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए जनरल फॉर्मूला है C+1 - H+X - N/2। ये जो CHXN देख रहे हैं, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एटम। C रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, H रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ H एटम, X करेगा नंबर ऑफ हैलोजन एटम। इट मे बी Cl, Br, I, F, कुछ भी हो सकता है सर। और N क्या होता है? नंबर ऑफ N एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स। सर, आपको यहां पे ध्यान रखना है कि फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में आपको यहां पे दो ही वैल्यू मिलने वाली है, 1 मिलेगा भाई या फिर आपको मिलेगा 2। तो अगर आपकी IHD का वैल्यू 1 आता है, इसका मतलब होता है कि पोस्ट जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर या तो एक रिंग हो सकता है या फिर एक डबल बॉन्ड होगा। अगर आपकी IHD का वैल्यू इस फॉर्मूले से 2 आ जाता है तो समझ जाइए कि आपके कंपाउंड में या तो एक रिंग होगा या एक डबल बॉन्ड होगा। देखिए, यहां पे अगर आपके कंपाउंड में 2 वैल्यू आता है तो समझ जाइए कि वहां पे पॉसिबिलिटी है एक रिंग और एक डबल बॉन्ड की, एक साथ प्लस लिखा हुआ दिख पा रहे हैं आप, या फिर पॉसिबिलिटी कि एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर हो सकता है कि 2 रिंग हो या फिर 2 डबल बॉन्ड हो। तो ये आपको अप्लाई करना है और नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स निकालने हैं। बच्चों, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ये कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं हमको और ये हमारा IHD फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अभी हमने सीखा कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स का एग्जांपल एल्केन, और उनमें अनसैचुरेशन नहीं होता है इसलिए वो सैचुरेट कहलाते हैं। तो यहां पे हमें को एक एग्जांपल दिया हुआ है C2H6। आप देखिए, C2H6 जो है वो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। इसका मींस क्या हुआ, कंपाउंड जो है वो सैचुरेट है, अनसैचुरेशन नहीं है। तो DU क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होगा सर, क्योंकि कंपाउंड कैसा है, इथेन है। लेकिन फिर भी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई किया। कार्बन का वैल्यू 2 है, हाइड्रोजन का वैल्यू 6 है, और यहां पर हैलोजन या नाइट्रोजन का एटम नहीं है, तो हमने यहां पे 0 लिखा है x का वैल्यू, n का वैल्यू 0 लिखा है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमको 0 आया। और मैंने यही बताया था कि कंपाउंड अगर सैचुरेट है तो DU या IHD का वैल्यू 0 आएगा, यानी इसके अंदर ना तो डबल बॉन्ड होगा, ना ही रिंग होगा और ना ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगला एग्जांपल C2H4 लेते हैं। तो C2H4 में जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कार्बन का वैल्यू 2 हुआ, हाइड्रोजन का वैल्यू 4 होगा, और यहां पर हैलोजन या नाइट्रोजन नहीं है, तो यहां पे हमने 0-0 लिया हुआ है, सोल्व किया तो 1 आया। अगर IHD का वैल्यू 1 आता है तो डिस्कस किया था इसको मतलब क्या होगा, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा। आई थिंक क्लियर है। अब C2H2 दिया हुआ है, तो आप देखिए हमने अप्लाई किया तो यहां पर DU या IHD का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसके अंदर या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि IHD की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है और IHD का 2 का वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है। अब देखिए, यहां पर लिया हुआ है C6H6। अब हमको ये देखते ही याद आता है कि बेंजीन का है। सर देखिए, अप्लाई करते हैं, हमको मतलब नहीं क्या दिया हुआ है।
तो यहां पे फॉर्मूला CnH2n+2 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सर ये देखिए यहां पे वैल्यू सोल्व करके आती है 4, यानी कि ये कंपाउंड के अंदर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है IHD जो है वो 4 है। अब 5Cl फॉर्मूला अप्लाई किया सर, तो क्या हुआ 2+1 ये देखकर यहां पे सोल्व किया तो ये आ गया हमारा 0। अब देखिए C4H के लिए कितना आया, 1 आया। प्रैक्टिस करते हैं, आपको याद होगा कि पहले हमने डिस्कस किया था कि IHD की या DU की वैल्यू 2 आती है, अगर IHD की वैल्यू 1 आती है तो उसका मतलब है कि स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल बॉन्ड या एक रिंग होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर IHD का वैल्यू 2 आता है तो उसका मतलब है कि रिंग के अंदर एक दो रिंग हो सकती है या फिर दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, कि या फिर एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस कंपाउंड में, हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक रिंग है, तो हमको पता है कि IHD का वैल्यू रिंग के लिए कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमको पता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर के अंदर देखिए यहाँ पे पूरे कंपाउंड के अंदर 3 डबल बॉन्ड है और एक रिंग के अंदर है और एक ये यहाँ बाहर है, तो कुल मिला के हो गए 4 डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड के लिए कितना वैल्यू होता है HD का, 1 होता है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, 1 × 4 1, क्योंकि ये क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए IHD का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड है, तो आपको क्लियर हुआ वैल्यू आएगा, सम आएगा 5। तो इस स्ट्रक्चर में, इस कंपाउंड में मैंने बिना फॉर्मूला कैलकुलेट किए, बिना कार्बन HNO निकाले, हैलोजन वगैरह सब ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये बिना यूज किए फॉर्मूला कैलकुलेट किए बिना मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर को देख के ही IHD वैल्यू को डिटरमाइन किया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। इस कंपाउंड में हमने ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा देखें तो साइनो, अगर आप कहें तो मैं साइनो को थोड़ा सा ऐसे लिख लूं, गड़बड़ तो नहीं है, गलत तो नहीं है, तो नहीं जी ये गलत नहीं है। साइनो ग्रुप के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो आप देख सकते हैं कि रिंग है, तो IHD वैल्यू निकालने के लिए रिंग के लिए IHD का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद आपको पता है कि डबल बॉन्ड के लिए भी IHD का वैल्यू 1 होगा, लेकिन कुल कितने डबल बॉन्ड है, तो आप देख पा रहे हैं 3, 4, 5 डबल बॉन्ड है, तो 5 डबल बॉन्ड के लिए हमको 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए IHD का वैल्यू 1 होता है। अब बात करते ट्रिपल बॉन्ड, तो हाँ सर इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, कितना है सर, एक है, और एक के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए IHD का वैल्यू 2 होता है। सर हमने ऊपर नहीं लिखा था क्योंकि ऊपर ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट था, तो यहाँ पे सम करेंगे कितना पाएंगे, तो सम करेंगे आप पाएंगे 1, 5 और 2, कितना हुआ सर 8 हो गया, तो यहां पर IHD या DU का वैल्यू 8 है। क्लियर हुआ। अब बात करते कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ था, क्यूब फॉर्म बनाया था, तो क्यूब को मैंने यहाँ पे थोड़ा खोल लिया है। आप देख रहे हैं क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं और ईच कॉर्नर इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन, हर एक कॉर्नर पे आपको कार्बन रखना है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन 1, 2, 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बाकी है, तो एक वैलेंस को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे H लिखा है। इट मीन्स क्यूब हैज CH, जितने भी क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे क्या लगा हुआ है, CH लगा हुआ। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा C8H8, तो आप इसका भी निकाल सकते हैं IHD, तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ये प्रिज्मेन है बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनकी शेप जो होती है वो क्यूब या प्रिज्म की जैसी होती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा हुआ है, क्यूबेन एंड प्रिज्मेन। प्रिज्मेन प्रिज्म का शेप दिखाई दे रहा है। इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, और तरीका वही है जो हमने ऊपर यूज किया था, ईच एंड एवरी कॉर्नर इज रिप्रेजेंटिंग CH। तो बच्चों ऐसे ही सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा आपको C6H6, ये आपको निकालना है। ये आपके लिए छोड़ा हुआ है होमवर्क, आप इसको कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम और ट्रिक्स लेके आते हैं, तब तक आप करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।